कोयला तस्करी मामले में ईडी ने इस बार राज्य के श्रम व कानून मंत्री मनय घटक को तलब किया है। उन्हें 19 जून को दिल्ली में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ कोयला तस्करी मामले में ही तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा नरुला बनर्जी को ईडी द्वारा गुरुवार को तलब किया गया है। कोयला तस्करी के मामले में ईडी ने इस बार राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक को तलब किया है। उन्हें 19 जून को दिल्ली में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। कोयला तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा नरुला बैनर्जी को गुरुवार को तलब किया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी को मंत्री मलय घटक से पूछताछ से कम 15 दिन पहले समन जारी करने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने कहा कि उन्हें समय के साथ बुलाया गया था। संयोग से ईडी ने गुरुवार को कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा नरुला बैनर्जी को समन भेजा था। ईडी सूत्रों के मुताबिक रुजिरा को अगले गुरुवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के कोलकाता कार्यालय CGO कॉम्प्लेक्स बुलाया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ताओं ने कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ही राज्य के कानून मंत्री मलय घटक को मेल कर समय मांगा था। ईडी द्वारा कोयला तस्करी मामले में पूछताछ के लिए बार बार दिल्ली बुलाए जाने के बाद मंत्री मलय घटक ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा था कि इस मामले में दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद ईडी मंत्री मलय घटक को दिल्ली में पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगी। हालांकि समन के लिए उपस्थिति की तारीख से 15 दिन पहले भेजा जाना चाहिए। पूर्व में भेजे गए समन का जवाब नहीं देने की स्थिति में ईडी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। मंत्री मलय घटक के वकीलों ने उनकी व्यस्तता का हवाला दिया था। साथ ही उन्होंने मंत्री मलय घटक को दिल्ली आने और जांच में सहयोग करने को कहा था। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। समाज सेवा के पथ पर हमेशा अग्रसर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीय लायंस MJMI हॉस्पिटल। लायंस MJMI हॉस्पिटल के अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र जांच एवं अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, एक्सरे के बाद अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सफल नेत्र ऑपरेशन किया जाता है। हमारे अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर चित्रांशु सामंत और डॉक्टर उत्पल पाल का लाभ दूर दराज से आए मरीजों को मिलता है। रानीगंज आई हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बेहतर चिकित्सा का एक और पहल डायबिटिक सेंटर। यहाँ भी मरीजों को मिलेंगे अनुभवी चिकित्सक एवं अत्याधुनिक लैब की सुविधा। रानीगंज लायंस MJMI हॉस्पिटल की बेहतर चिकित्सा के लिए दक्षिण बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार एवं ओडिशा राज्य से भी मरीज चिकित्सा कराने आते हैं। मरीजों के सुविधार्थ उपलब्ध है 24 घंटे एम्बुलेंस एवं हाइजीनिक रेस्टोरेंट की सुविधा। रानीगंज लायंस MJMI हॉस्पिटल, NSB रोड, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 03412445205, 2443205, 2445242।